बिल्कुल बिल्कुल और आप जिस तरीके से वोकल हुए सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा और जिस कैंपेन की आपने शुरुआत करी या जिस थॉट को जिस विचार को आपने लोगों तक पहुंचाया, वो बहुत ही सराहनीय है तो उस पर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं तो मैं सीधा उस सवाल पर आऊंगा जिसे बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि ये लेवल वन ये एक स्टेप वन हो गया अब इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानब मंजिल मगर लोग आते गए कारवां बनता गया <laughs> तो ये मेरा कोई ऐसा नहीं था कि इस तरह से हम चलेंगे यहां से हम अपने क्या कहेंगे पार्टनर्स ढूंढेंगे तो उम्मीद मेरी है कि जब एक आवाज और दिल से दी गई आवाज हो तो बहुत साथी निकलेंगे जैसे आपके जैसे मीडिया के बहुत सारे चैनल्स हैं बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मूवमेंट की आगे बढ़े इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोकली सब लोग अपने-अपने शहरों में अपने-अपने मोहल्लों में इस पर बातचीत करें और हो सके तो ऑर्गेनाइज्ड उस पे कुछ एक्शन भी करें इवेंट्स करें एक्शन करें जहां आप एक तरफ ऐसे देशों से जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुक नहीं रखते उनको हम बहिष्कार करें दूसरी तरफ अपने देश के के और अपने राज्य के, अपने राज्य मोहल्ले में जो जो हो सकता है काम उनको हम सपोर्ट करें आपको लगता है ऑर्गेनाइज हो सकता है ये क्योंकि अगर कुछ और बड़ी हस्तियां चाहे वो राजनेता हो चाहे अभिनेता हो चाहे क्रिकेट वाले हो, अगर वो इससे जुड़े तो ये ये आग और जल्दी फैलेगी शुरू में आ, बहुत लोग हिचकिचाएंगे भी क्योंकि बड़े लोगों के अपने कैलकुलेशंस होते हैं कि इससे मेरा ये फायदा होगा ये घाटा होगा जबकि मैं ये सोचता हूं कि इस वक्त खासकर इस वक्त जब आपके देश के दरवाजे पे दस्तक ही नहीं बल्कि दरवाजा तोड़ा जा रहा है और आप आज या कल या परसों के मुफाद फायदे को देखें तो इस तरह से हमारा जवाब बहुत जोरदार नहीं होगा मगर फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि जो लोग हैं, हैं, आगे आने में हिचकिचा रहे हैं, जो आम जनता बहुत बड़े तादाद में बाहर आने लगे तो फिर वो भी ये देखेंगे कि साथ में जाने में ही फायदा है मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हमारी आवाज जोरदार होगी तो चीन की सरकार उस पर ध्यान जरूर देगी आपने सुना होगा कि अभी से ही हम ये सुन रहे हैं कि ट्विटर ने अमूल के ऐड को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो इसी मुद्दे पर था आपने सुना होगा कि गूगल प्ले स्टोर ने फला फला एप्स को सस्पेंड कर दिया तो मैं तो इसे बहुत ही एक पॉजिटिव इशारे की तरह देखता हूं कि हमारे दवा का असर हो रहा है वरना ये नहीं कदम लेते जी। कहीं आपके नाम के पोस्टर तो नहीं छप गए वॉन्टेड चीन में <laughs> वो सबसे अच्छा होगा दैट विल मेक मी इवन स्ट्रॉगर अमेजिंग अमेजिंग बट अभी तो मैं अनवॉन्टेड हूँ तो wanted तो तो होगा बहुत अच्छी बात बात होगी। नहीं नहीं, मैं अगर positive तरीके से wanted की बात करूं तो हिंदुस्तान में आ आप एक हैं बहुत, बहुत 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 पे क्योंकि सारे लोग ये भी भी और मेरा यही सवाल है सर कि how to create more sonam like you? मतलब आप जैसे और वॉरियर्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं जो लार्जर लेवल uh, पे लोगों को इंस्पायर कर सकें क्योंकि ये बहुत जरूरी है मैं तो ये सोचता हूँ कि लार्जर larger... तो अच्छी बात है सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा हर शहरी अपने आप को एक सैनिक समझे देश का हम कहते हैं ना वहां चीन से भिड़ंत हुई है तो उसे संभाल लेंगे तो ये सोचकर सो जाना आपका फर्ज काफी नहीं है आ, मतलब सैनिक मैं सोचता हूँ आज के 21वीं सदी में तो आप सैनिक शहरों में होते हैं घरों में होते हैं दफ्तरों में होते हैं आज के 21वीं सदी के सैनिक सिर्फ सीमा पर नहीं होते हैं आप डॉक्टर हैं तो अपना मेडिकल काम सबसे अच्छा करिए तो आप सबसे बड़े सिपाही हैं। आप शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को ऐसा पैदा कीजिए कि वो दुनिया के सबसे बेहतर शिक्षक इंजीनियर या किसान बन सके तो उसी तरह सफाई कर्मचारी तक बल्कि खासकर सफाई कर्मचारी आज के स... समय में तो वो पूरे देश की सेहत को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं तो ये भी एक बहुत बड़े सिपाही हैं तो हर नागरिक को अपने जिम्मेदारी छोटा बड़े के ऊपर सोचनी चाहिए आत्मनिर्भर भारत का जो मैसेज है वो आपको लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी उसकी एंट्री उसकी होनी चाहिए बच्चों से इस चीज की शुरुआत करनी चाहिए आपने बहुत ही एक जरूरी बात कही मैं तो समझता हूं कि एजुकेशन से भी नहीं एजुकेशन से ही शुरुआत होनी चाहिए क्योंकि जब तक हमारी एजुकेशन के नहीं हो हम आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं अब देखिए ना हमारे भारत से कितने आईटी प्रोफेशनल्स निकले हैं मगर सब आईटी प्रोफेशनल्स दूसरों के लिए काम करते हैं अपना ओरिजिनल कोई कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर जैसे चीन जो कि आईटी के लिए नहीं जाने जाती उसने दर्जनों ऐसे एप्स जो कि दुनिया में लोकप्रिय हो रहे हैं तो क्यों इंडिया से जो जिसका फोटे आईटी है ऐसे एप्स नहीं है जो कि सिर्फ भारत में नहीं चीन में या बाकी देशों में भी लोग उस पर डिपेंडेंट होते ऐसा क्यों नहीं हो रहा है हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो गूगल के लिए सीईओ बन जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के लिए सीईओ बन जाएंगे बहुत अच्छी बात है मगर दूसरों के लिए से ज़्यादा मैं इज्जत अगर वो अपना इंडिया का एक गूगल या इंडिया का एक माइक्रोसॉफ्ट जो कि ग्लोबली जाना जाता हो वो क्रिएट भी करते तो कहीं हमारे शिक्षा की नीति में कुछ कमी है कि हम आ, ऐसे डेयरिंग डेयरिंग रेयरिंग ऑनट्रप्रनर्स नहीं निकाल पा रहे हैं। हम आ, उनके मैनेजर्स निकाल पा रहे हैं सिर्फ आपके उस वीडियो के बारे में बात करते हैं जो आपने अभी हाल ही में जिसको एक ग्लोबल मूवमेंट की तरफ से आपने प्रेजेंट किया है इंग्लिश में वो वीडियो है सो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सोमन तो मेरा ये था रणनीति एक तरह से कहें कि जो चीन पर दबाव है बटुए का वो होनी तो पूरे विश्व से चाहिए तभी असर होगा तो हम अपने भारत से शुरू करें इसीलिए मैंने पहले दो हिंदी में किए थे ताकि पहले भारत से अपील कर पाऊं और उसके बाद भारत की जनता को जब ये लगे कि हाँ इस तरह से हम एक जवाब दे सकते हैं इक्कीसवीं सदी है इंटरनेट का जमाना है जब बड़े बड़े सत्ता गिर चुके हैं अरब स्प्रिंग में आपने देखा होगा अरब स्प्रिंग में पांच छह बड़े बड़े सत्ताएं गिर गए एक सब्जी वाले के कॉल से तो ऐसे जो सत्ताएं उभर के के आ रही हैं हैं चीन के जैसे जो विस्तार जो विस्तारवादी शोषण पर आधारित हैं उनके प्रति भी आवाज देने के लिए पहले भारत से शुरू हो और उसके बाद विश्व भर में जाए दुनिया भर में जाए मैं फिर अपील करूंगा कि आपके जो दर्शक श्रोता हैं वो भी जुड़े और इस अपील को वो अपने जो सगे संबंधी विदेशों में हैं वहां पहुंचाए और फिर वो लोग जो हमारे तीन करोड़ हिंदुस्तानी दुनिया के अलग अलग देशों में लीडरशिप रोल्स में हैं वो फिर उन देशों में इस तरह से फैलाएं कि एक ग्लोबल मूवमेंट हो जाए ताकि हम कंटेन कर पाए इस विस्तारवादी रजीम को तंत्र को यूथ को क्या कहना चाहेंगे यूथ आज भी थोड़ा सा हिचकिचाती है उन एप्स को डिलीट करने में जिन एप्स की वजह से उन्हें थोड़ा फेम मिला है या उन, उनको थोड़े पैसे मिल रहे हैं कभी-कभी so, उनके लिए इस एज में बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सोचना कि तो क्या मैसेज होगा सर उनके लिए पहली बात तो यूथ में से जिनको कोई पैसे का फायदा हो वो बहुत 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 कम होंगे वो बहुत कम होंगे और मैंने देखा भी है और मुझे उम्मीद भी है अगर जो होंगे भी तो उन्हें देश की सुरक्षा और देश की हालत के तुलना में अपने फायदे उतने बड़े नहीं दिखेंगे क्योंकि एक तरफ हमारे सीमा पर ये जोर जबरदस्ती हो रही है दूसरी तरफ ये एप्स एक भी हैं। अगर हमारे सारे हिंदुस्तान के यूथ हो तो और वो भी चीन के काबू में हो कोई फ्री नेशन होता अलग बात थी चीन के काबू में हो वो किसी भी जगह पे इसका, इसका इस्तेमाल कर सकता है आगे आगे भारत के खिलाफ तो मुझे उम्मीद है मैंने देखा भी कुछ टिकटॉक स्टार्स का ये मैसेज की वो अब स्टार्स हैं कमाते हैं फिर भी उस पर उसको छोड़ रहे हैं तो उसी तरह जो बाकी युवा हैं वो पल दो पल के खुशी के लिए ऐसे एक ऐप को छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं मगर दूसरी तरफ जो हमारे प्रोड्यूसर युवा हैं ये तो हुए कंज्यूमर पक्ष जो यूज करते हैं जो हमारे टेक प्रोफेशनल्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं इस देश को आईटी के लिए जाना जाता है उनको मैं जगाना चाहूंगा कहना चाहूंगा ऐतिहासिक मौके की तरह देखें और अपने एप्स लॉन्च करें ऐसे एप्स लॉन्च करें जो कि भारत में आपको सपोर्ट मिले मगर उस लॉन्चिंग पैड से आप ग्लोबल लेवल पे जाएं तो ये दोनों अगर हो कि जो यूजर्स हैं उनमें ये बड़ापन हो कि हम देश के हालात को देखते हुए इसको हम बिना दूसरे सेकंड थॉट्स के हम छोड़ सकते हैं दूसरी तरफ टेक प्रोफेशनल्स जो इसका पूरा फायदा उठाते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचा सकें ये मेरी उम्मीद होगी थैंक यू वेरी मच सोनम सर हमसे बात करने के लिए आप यूं ही मुस्कुराते रहें चलते चलते आपको शेर कहना चाहेंगे क्योंकि आपकी आपकी जबान में जब शेर सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम 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 सब मुस्कुरा देते हैं कि आपने कुछ बढ़िया बीच में उर्दू में एक शेर पढ़ दिया आप जी, जी जी तो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है ये मूवमेंट लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ है तो मैं ये कहूंगा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहा अमेजिंग अमेजिंग थैंक यू थैंक यू सर वेरी मच प्लीज टेक केयर और आपसे आगे जल्दी मुलाकात होगी नमस्कार हिंद जय हिंद